दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अपडेट में। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील JET का जो वैकेंसी आने वाला है 2025 में, उसके बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका एग्जामिनेशन कब होगा, इसका सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो टाटा का जो पिछले 2 साल का ट्रेंड रहा है उसमें आपका जो नोटिफिकेशन है ये 10 से लेके 20 जनवरी के बीच में निश्चित ही जारी कर दिया जाता है और इसका एग्जामिनेशन भी 10 फरवरी के अंदर ही ले लिया जाता है। यानी एक महीने के अंदर इसका सारा प्रोसेस लगभग एग्जामिनेशन का पूरा कर लिया जाता है और इसका रिजल्ट अप्रैल से लेकर मई तक आपको जारी कर दिया जाता है और फाइनली आपका इंटरव्यू DV मेडिकल के बाद अगस्त महीने में इसका जो बैच होता है शुरू कर दिया जाता है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला, जिसमें आपको 80 टेक्निकल डोमेन का रहेगा और 20 मार्क्स का आपको IOL यानी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक तरह से कह सकते हैं आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर का क्वेश्चन रहता है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला, जिसमें 1/4 का आपका निगेटिव मार्क्स रहने वाला है और पेपर का जो मतलब क्वेश्चन रहता है वो उतना भी हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का रहता है। अब देखिए, जो 80 मार्क्स का कोर पेपर है वो तो आप जानते हैं, जो जैसे मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, वो भी आप पढ़ रहे होंगे। तो अब ये IOL यानी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो सिंपली जो आप 6th सेम में या आपने जो BTEC किए हुए तो 8th सेम में जो पढ़े होंगे मैनेजमेंट से नाम से या एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, उसी से मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन डाला जाता है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर लिख के रखा हूँ, जैसे आपसे पूछा जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्लांट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी PERT पूछा जाता है, CPM पूछा जाता है और बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, साइंटिफिक बिजनेस, यही सब आपसे पूछा जाता है, मैनेजमेंट पूछा जाता है। कोई खास यहाँ पर नहीं पूछा जाता कि इतना हार्श, मेंटेनेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस्ट्री में जो कलर कोडिंग किया जाता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या क्या सारा एक एक टॉपिक को वहाँ पर कवर कर लिया जाता है, ये आपको ऐसे मैं ऑरली बता देता हूं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब मैं बात करूं इसमें सैलरी क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें जो आपका 1 साल का ट्रेनिंग करवाया जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 16,900 रुपया प्रोवाइड किया जाता है और आफ्टर ट्रेनिंग आपको 30 से लेकर 35 साल के पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसमें आपको ग्रोथ इतना है कि आप इस कंपनी में जनरल मैनेजर तक भी बन सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको सैलरी के अलावा यहाँ पर रहने के लिए जो होता है फ्री एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें डिप्लोमा और BTEC दोनों एलिजिबल रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी, मैं यहाँ पर हाईलाइटेड चीज़ को बता दिया हूँ। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कृपया आप कमेंट में डाल दें और बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं।